श्रीमती राधा रानी की जय। अनुपम आलौकिक अकल्पनीय श्रृंगार की जय। तो हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो अब आ जाती है बारी हमारी श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार की। तो भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, तो मैंने ये इनर नीचे पहना रखी है और गुनगुने पानी में टावल डिप करके अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, धूल मिट्टी जो भी थोड़ी बहुत लग जाती है। तो अब मैं इनको कपड़े पहना लूँगी। और ये श्रृंगार आप सबको पता है, जब हमारे श्री राम जी आए थे अयोध्या से, 22 जनवरी को दिवाली मनाई थी, उस उपलक्ष्य में ये लाल चटक श्रृंगार किया था हमने श्रीमती राधा रानी। और बिहारी जी का मैंने पहले डाल दिया है, अब श्रीमती राधा रानी का डाल रही हूँ। और शुरू में आपने दोनों को जोड़े से दर्शन भी कर लिए होंगे। तो चलिए जी, ये देखो सुंदर सा प्यारा सा लहंगा है जो श्री जी को पहना रही हूँ मैं। और जल्दी से बना देती हूँ, मैं दिखा रही हूँ, इतना सुंदर लग रहा है, इतने बड़े बड़े फूल हैं इस पे। तो हमेशा मैं ज़्यादातर आपको ड्रेस पहना के ही दिखाती हूँ, लेकिन अब इनर पहन रखे नहीं थे तो मैंने सोचा कि एक बार पहनाऊँगी ड्रेस, ताकि ड्रेस का जो प्रॉपर जहाँ कमी है वहाँ इसमें अच्छे से पता लगेगा, फिर आगे से उस जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसको सही कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जिसने भी सेवा भेजी है, हंसा ने, हंसा का नाम मैं ले लेती हूँ, मैं मेरे पास कोई भी सेवा भेजता है और ज़्यादातर इनके मेरे पास सेवा आती रहती है तो मैं उनका नाम लेना पसंद करती हूँ, और श्री जी की इच्छा होती है जब भी ऐसा होता है। तो ये देखो अब मैं इनको पहना दूँगी टॉप। अब देखो मुझे कितनी दिक्कत आएगी, और मेरे मार्बल के हैं राधा कृष्ण, तो और भी ज़्यादा सेफ्टी से पहनानी पड़ती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से पीछे से पहनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आगे का हिस्सा हल्का खुला होता है लेकिन पीछे का बहुत टाइट हो जाता है, तो दिक्कत होती है। ऐसे ही लड्डू लाडली की ड्रेस में भी हो रहा है मेरे साथ, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा पीछे का पार्ट बना रखा है लेकिन बीच में जो होल होते हैं हाथ डालने के, नजर से हम बनाते हैं खींच के, तो वो मुश्किल होता है। लाडली की बात कर रही हूँ, लड्डू की ड्रेस की, इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, बहुत टाइट से बनाई है, आपने देख लिया होगा। तो फिर भी चलो पहना दी, पीछे का देखो कितना ढीला पार्ट है, बस आगे से पहनाने में मुश्किल आती है क्योंकि बाजू टाइट हो जाती है इस वजह से, बाकी बहुत टाइट फिटिंग आई थी अच्छी, क्योंकि नीचे भी इनर पहना रखी है इस वजह से, बाकी पीछे तो आपने देखा काफ़ी लूज है। तो सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस पहना दी है हमारी श्री जी को। अब करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो सुंदर सा चूड़ा, तो यहाँ पहना दिया प्यारा सा सुंदर सा चूड़ा, अब सुंदर सा चूड़ा बनाने के बाद हम पहनाएंगे इनको मंगलसूत्र। राधा रानी हमारी सरकार, फिकर फिर काहे की। जो जो श्री जी को ये सोच के पूछता है कि अब श्री जी हमारी पालनहार हैं, अब फिकर हमें काई बात की नहीं है, तो राधे राधे जरूर से लिखना। और चोकर भी सुंदर सा पहना दिया है, बहुत सुंदर सा, और मेरी श्री जी मुस्कुराने लग गई हैं। और अब पहना देंगे प्यारा सा हार, चमक धमक वाला सुंदर सा हार, लंबा वाला जो हमने बिहार जी को पहनाया था। और झुमकी सुंदर सी, झुमकी को मैंने चिपकाया है ब्लू टैग से, या फिर आप श्रृंगार की मोम भी बोल सकते हो। अब इनको हेयर विग लगा दी है यहाँ पे, और हेयर विग लगाने के बाद ये देखिए इस तरह से हेयर को मैंने ओपन करके साइडों से राउंड मोड़ा है, दोनों तरफ से ही मैं इस तरह से राउंड मोड़ के और यू पिन लगा दूंगी, जिसको जूड़ा पिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक साइड लगा ली, अब दूसरी तरफ भी ट्विस्ट ऐसे ही कर दूंगी मैं।
तो थैंक यू सो मच, आपको मेरे बिहारी जी की श्रृंगार वीडियो बहुत अच्छी लगी और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, तो जिसने भी कमेंट करे उसके भगवान जी खूब 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 उनकी मुराद पूरी करे, क्योंकि एक होता है भगवान जी को देख के करके खुश होता है, प्यार प्यारे कमेंट करता है तो मेरा दिल भी खुश होता है और मेरे दिल से फिर आशीर्वाद निकलता है कि मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार आप सबको पसंद आया। सो इसलिए और हमारी श्रीमती का भी, राधा रानी जी का भी अगर श्रृंगार अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करना और शेयर करना। शेयर करना तो श्री जी देखेगी, मैं तो बस कह ही सकती हूँ, क्योंकि आपने करा होगा तो श्री जी देखेगी कि हाँ भाई इसने मेरी वीडियो शेयर किया, और नहीं तो कमेंट तो कर ही देना, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर, मैंने श्री जी को कहा थोड़ा सा आप ऐसे खड़े हो मंदिर में, देखो बिहारी जी को मैं आपकी चुटिया गूंथ देती हूँ, तो यहाँ पे सुंदर सी चुटिया गूंथ रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना पीछे से। तो हमारी श्री जी तो हजारों चांदों से भी बढ़कर हैं, कोई कल्पना नहीं, चांद के साथ तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ऐसी एक बार बिहारी जी ने चांद से कल्पना वो कर दी थी श्री जी की, कि भाई चांद जैसी सुंदर हो, तो श्री जी मान करके बैठ गई थी, रूठ के बैठ गई थी। तो इसलिए फिर बिहारी जी मनाते रहे मोर कुटी पे मोर बन के, तो भाई हम तो ये गलती ना करेंगे, हमारी श्री जी तो बस श्री जी है, श्री जी ऐसा कोई नहीं है, है ना श्री जी। तो ये देखिए सुंदर सा मैंने उस चुटिया गूंथ के जूड़ा बना दिया था। अब मैं हमेशा की तरह जब मैं कुछ ऊंचा लगाने वाली होती हूँ तो ये बाल लगाती हूँ, जो मैंने कई बार वीडियो में आपको बताए हैं। और इन बालों को दो तरह से करके लगाती हूँ, उल्टा करके बालों को लगा दिए हैं, जो लड्डू बाबू के बाल होते हैं, हर बार बता देती हूँ ताकि किसी को कोई ये दिक्कत ना हो, बाई चांस लगाना हो आपको तो इसलिए। और यहाँ भी लगा दूंगी ऑल पिन कह रही हूँ, यू पिन, दोनों तरफ यू पिन लगा दूंगी इधर साइड में भी लगाऊंगी। और एक और ले लिया है मैंने, अब इस पे भी मैं इस तरह से अच्छे से यू पिन टक कर दूंगी दोनों बालों को लेके, हैवी हो जाता है और इसे पीछे को खिसकता है, थोड़ा सा ज़्यादा यू पिन लगानी पड़ती है, मतलब ज़्यादा का मतलब 4-5 बस। और अब ये रुक चुका है, और अब मैं एक कर्ली बाल की जो लट होगी वो मैं साइड में लगाऊंगी, और पहले क्लचर से भी मैं टक कर रही हूँ ताकि पीछे गिरे ना। तो इस तरह से 2-3 क्लचर भी आप लगा सकते हो रोकने के लिए। और यहाँ पे कर्ली बाल की लट मैंने लगा दी है श्री जी के, और अब फ्लावर लगा देंगे, सुंदर सा प्यारा सा गुलाब का फूल, बहुत सुंदर लग रही है श्री जी लाल लाल ड्रेस में। देखिए अभी इसको मैं ठीक करूँगी, और ये एक मैंने गले का नॉर्मल छोटे बच्चों का, यानी कि मेरे गोपू का मैंने हार ले लिया था, उसको ये एक तरह से तार सा ही है, ये सीधा भी हो जाता है इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे माथा पट्टी टाइप इसको बड़ी मुश्किल से लगाया भाई, इतना बार बार उतर रहा था ये, बहुत मुश्किल से लगाया मैंने इसको। और पीछे मैंने वो लगा दिया है जो मैंने गोल्ड टाइप मुकुट मंगवा रखा था, ये देखिए ये वाला, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और अब अच्छे से मैं लिक्विड सिंदूर की शेप दे रही हूँ, जैसे मैं लगाती हूँ अपना तिकोना करके आगे वो लगा दूंगी, और पीछे फिर हम मांग भर देंगे पूरी श्री जी की। वो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। तो अब हमारी श्री जी की मैं मांग भर रही हूँ, श्री जी जैसे आपका सुहाग आपके साथ है और हमेशा बना हुआ है, ऐसे ही हमारा सुहाग भी हमेशा बना रहे, हमारे साथ रहे, और हम दोनों आपके गोलोक धाम आए श्री कृष्ण और आपकी सेवा करें, तो यही मैं भी आशीर्वाद चाहती हूँ। और ये देखिए अब मैं स्टोन लगा रही हूँ, और नाक पे भी मैंने लाल रंग का लगाया कि लाल लाल श्रृंगार है, तो लाल ही नाक में मैंने नथ भी पहना दी थी, स्टोन भी लगा दिया है। अब गजरा ऊपर से लगा रही हूँ, ऊपर से लगा के यहाँ पीछे टक कर दूंगी, और ये उड़ा दी चुन्नी, तो बस श्रृंगार हो चुका है।
बाद में बिठाऊंगी ऊपर, मंदिर सामने दिख रहा होगा ना आपको वहाँ पे। तो शुरू में आपको एक झलक मैंने दिखा दी थी, कोशिश करूँगी लास्ट में भी डाल दूँगी। और एक चुटिया मैं यहाँ पे टक कर दूँगी ताकि एक लंबी चुटिया हो जाएगी तो और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं चुटिया लगा रही हूँ, लगा दी चुटिया मैंने। तो लो जी फाइनल लुक देखने के लिए रेडी हो जाओ। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहाँ बैठ के हमारे श्री जी रेडी हो गए, कितनी सुंदर सी लग रही है। और ऐसा अद्भुत श्रृंगार अगर आपको सच्ची में प्यारा सा लगा हो तो अपना राय जरूर देना, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है। लो जी और भी पास से नज़दीक से देख लो मैं श्री जी को। राधे राधे सभी को। अब आपके प्यारे प्यारे शोने शोने से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और मैं ज़रूर से पढ़ती हूँ। तो जल्दी से जाइए और फटाफट से लाइक कर दीजिए और ढेर सारे कमेंट मुझे कर दीजिए। राधे राधे।